समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। निर्देशों के बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी नहीं हो रही कम। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा प्राइवेट स्कूल पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। 25 करोड़ से ज्यादा की अवैध फीस वसूली मामले में जबलपुर में स्कूल संचालन समिति अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादा फीस लेने पर जबलपुर के जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध न केवल FIR दर्ज की गई बल्कि जॉय एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अखिलेश मेविन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को गिरफ्तार भी किया गया। विजयनगर के जॉय स्कूल के प्रबंधन पर 15,000 स्टूडेंट से ज्यादा फीस वसूलने का आरोप है। जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट के विरुद्ध प्रशासन को आय व्यय की जानकारी देने में भी हेराफेरी की आरोप है। स्कूल ने 25 करोड़ से ज्यादा की राशि को अन्य स्रोत से प्राप्त आय दर्शाई है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने सोमवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन पर विजयनगर थाने में FIR दर्ज की। पुलिस ने जॉय एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अखिलेश मेविन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया। जॉय स्कूल के विरुद्ध काफ़ी सारी शिकायतें एक लंबे समय से आती रही हैं। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन एक्ट 2017 और नियम 2020 इसके अंतर्गत स्कूलों की जांच की गई है। जांच में जो भी इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं उस पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। जॉय स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट देखी गई है और फीस की वृद्धियाँ भी देखी गई हैं। फीस में ये पाया गया है कि जो जिस तरीके से फीस बढ़ानी चाहिए उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो नहीं किए गए थे। फीस संरचना केवल दे दी गई थी, वृद्धि की जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे करके इनकी जो फीस वृद्धि है 25,21,12,040 रुपये, जो मतलब वैधानिक तरीके से नहीं बढ़ाई गई थी, वो पाई गई है। दूसरा, ऑडिट में ये पाया गया कि इनके स्कूल में दो खाते चलते हैं, जबकि ये सभी जगह से स्पष्ट निर्देश है एक खाता होना चाहिए जिसमें सारी शुल्क जमा हो और उसी से सारे खर्चे हों। तो दो खाते होने से ये एक खाते में कुछ राशि लेते हैं, एक दूसरे खाते में कुछ राशि ले रहे थे, तो एक खाते से दूसरे खाते में ऐड कर रहे थे, यानी जॉय एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जॉय एजुकेशन स्कूल की ओर, और वो ऐड दर्शा रहे थे। तो उससे अधिक के जो है एक्सपेंडिचर पर रिसीट का अधिक कम कर रहे थे, जबकि जो एक्ट है उसकी धारा 5(2) स्पष्ट कहती है कि यदि आपका आधिक्य 15% तक करने के लिए फीस वृद्धि आप कर सकते हैं, और 15% अगर है तो फीस वृद्धि बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आधिक्य को कम दर्शाया गया और फीस वृद्धि की गई है, ये पाया गया। मनमानी फीस वृद्धि और अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन एवं पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है 3-4 महीने से, आप सभी को पता ही है। आज उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम विजयनगर पुलिस थाने के अंतर्गत आज हमने जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ आज हमने FIR की है। इस FIR का मेन कंटेंट यही है, आपराधिकानी अनियमितता तो और हेराफेरी कर छात्रों का आर्थिक हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ अर्जित करने का कृत कार्य करने के लिए आज हमने 3 आरोपियों के खिलाफ हमने FIR किया है। इसमें आरोपी लोगों का नाम ये है, एक तो जॉय एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष है अखिलेश मोबिन, और इसकी सचिव है अनुराग श्रीवास्तव है, और उसके साथ ही है कविता बलेचा है। 3 आरोपी है इसमें, और 2 लोगों का हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। अध्यक्ष अखिलेश मोबिन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव का आज हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।